हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख ही पा रहे हैं, ये है मक्खन। ये वही मक्खन है जो गांव में हमारी दादी और नानी निकाला करती थी पुराने समय में। बिल्कुल उसी तरह से निकाला है हमने ये मक्खन। क्या आप जानना चाहते हैं ये कैसे निकाला गया है? इसे निकालना बिल्कुल आसान है। जो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसे देखकर आप इसे आसानी से निकाल पाएंगे और आपको इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, मैंने स्पून की मदद से आपको दिखाने की कोशिश की है। इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही अच्छा निकला है। चलिए देख लेते हैं कि हमें इसे निकालना कैसे है। सबसे पहले आप प्लेन एक नाइफ ले लें, जिसे आसानी से आप चारों तरफ दूध वाले बर्तन की मलाई को हटा सकें। ये भैंस का दूध मैंने लिया है और 6 से 7 घंटे फ्रिज में रखने के बाद इस तरह की मलाई इस पर बन गई है, जिसे मैं स्पून की मदद से हटा रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से जब दूध को गर्म कर लें तो उसको 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे जो मलाई है वो अच्छे से मोटी परत उसकी बन जाए और आसानी से फिर आपको मलाई को हटाने में आसानी रहे। देखिए, 4 से 5 दिन की मलाई को मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। मैंने इस मलाई के बर्तन को रख लिया है गैस पे और गैस को कर लिया है सिम। सिम गैस पे मुझे इसे पकाते हुए 102 मिनट हो गए हैं और ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गई है। धीरे धीरे ये मेल्ट होगी और आपको इसे धीरे धीरे ही मेल्ट करना है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप ज़्यादा तेज़ करेंगे गैस को तो ये नीचे लग सकती है। हमें इसे धीमी गैस पर ही पकाना है, इस बात का आपको बस ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे आप इसे हिलाते रहें, जिससे कि मलाई जो है वो पूरी तरह से धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी। इसे लगातार थोड़ा सा हिलाते हुए ही आप मेल्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो मलाई होती है उसको जो हम फ्रिज में रखते हैं, तो फ्रिज में रखने के बाद में उसके ऊपर की लेयर थोड़ी हार्ड हो जाती है, हल्की सी उसका मॉइस्चर सूख जाता है, जिसको मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप इसे लगातार हिलाते रहें और ये मेल्ट हो जाएगी। देखिए, मेरी मलाई पूरी तरह से मेल्ट हो गई है और अब हम इसे जमाएंगे। जैसे हम दूध को जामुन लगाते हैं वैसे ही इसको लगाना है। ये लिया है मैंने 1 चम्मच दही, जिसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जैसे हम दूध को जमाते हैं वैसे ही हम अपनी मलाई को जमा लेंगे। इस दही को आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपको इसी तरह से इसे पूरी रात छोड़ना होगा। इसे ढक कर आप रख दें और जिस तरह से हम दही के जमने का वेट करते हैं वैसे ही इस मलाई के जमने का वेट करेंगे और सुबह चेक करेंगे कि कैसी जमी है। ये देखिए, पूरी रात भर मैंने इसे जमाया और सुबह के टाइम पे मैं इसको चेक कर रही हूँ कि कैसी जमी है। ये देखिए, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये जमी है, बिल्कुल गाढ़े गाढ़े एकदम दही की तरह, जो एकदम थिक दही होता है उस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। इसको आपको मैं हिलाकर दिखाई रही हूँ। इस तरह से ये मलाई जमकर तैयार हो जाएगी। आपको बस इस तरह से अपनी मलाई को गर्म करना है, मेल्ट करके दही का जामुन लगा के और उसको रात भर ढक के रख देना है। तो आपकी सुबह इस तरह से मलाई बन के तैयार हो जाएगी। चलिए अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक मिक्सी का जार और उस जार में मैं डालने वाली हूँ अपनी मलाई को। लेकिन मलाई को डालने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि जब आप मलाई डालें उससे पहले थोड़ा सा मिक्सर में ठंडा पानी डाल लें। देखिए, वेदर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मक्खन निकालने पे, क्योंकि अगर गर्मी है तो आपको ठंडा पानी डालना है और अगर ठंड है तो आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी इस टाइम यहाँ डालना होगा। तो क्योंकि गर्मी है तो मैंने यहाँ डाला है ठंडा फ्रिज का पानी और इसी में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे जो रात को हमने जमाई थी उस मलाई को। देखिए, आप उतनी ही मलाई डालें जिससे थोड़ा सा जार के अंदर थोड़ा स्पेस बचा रहे। तो आपको बहुत ज़्यादा एकदम से जार को भरना नहीं है। ये देखिए, मैंने आधी मलाई को डाल लिया है और फिर इसके ऊपर फिर से आपने फ्रिज का पानी डालना है। लेकिन ये गर्मी के वेदर की बात हो रही है, अगर ठंड है तो यहाँ गुनगुना पानी जाएगा। देखिए, मैंने 1 से 2 मिनट तक मिक्सी के जार में मलाई को घुमा लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा और ठंडा पानी, ताकि इसे बिल्कुल लस्सी से भी अलग किया जा सके।
पानी डालने से क्या होगा कि लस्सी बिल्कुल मक्खन को छोड़ देगी और आप आसानी से मक्खन को सेपरेट कर पाएंगे लस्सी से। बस एक अब छेद वाला झारा लें और इससे आराम से आप सारे मक्खन को लस्सी से बाहर निकाल लें। देखिए, आप एक बात ज़रूर सोच रहे होंगे कि हमने सबसे शुरू में मिक्सी के जार में पानी क्यों डाला। उसका एक सबसे सटीक रीज़न है ये है कि जब आप मलाई उसमें डालते हैं, अगर पहले से जार में पानी होता है तो वो मलाई जार के जो ब्लेड्स होते हैं उससे चिपकती नहीं है, और दूसरा जब आपका मक्खन जब निकल रहा होता है वो मक्खन भी ब्लेड से नहीं चिपकता है, तो इसलिए पानी डालना अच्छा होता है। ये देखिए, ये दूसरी बार भी मैंने जो बची हुई मलाई थी उसे मिक्सर में डालकर दोबारा से चला लिया है, घुमा लिया है, तो ये बचा हुआ मक्खन भी निकल आया है अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छा, और 4 से 5 दिन की मलाई से काफ़ी ज़्यादा मक्खन हमने निकाल लिया है, और इसे निकालना बिल्कुल आसान है। बस रात को आपको अपनी मलाई को थोड़ा सा गर्म करना है, मेल्ट करना है, और जामुन लगाकर उसे जमा देना है, और सुबह उठ के आपको उसको मिक्सी में घुमा लेना है, और ईज़िली आप मक्खन को निकाल सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल गांव वाले मक्खन की तरह है। आप जब इसे खाएंगे तो आपको फ़र्क खुद से पता चलेगा। बहुत अच्छा मक्खन निकला है, ये देखिए आप, बिल्कुल वाइट। यहाँ आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है, मलाई को आप ज़्यादा पुराना करके यूज़ ना करें। जितना हो सके अगर अच्छी मलाई आती है तो 4 से 5 दिन की मलाई से आप मक्खन निकाल लें, क्योंकि उससे लस्सी भी बिल्कुल ताज़ा ही रहेगी और आपका मक्खन भी बिल्कुल फ्रेश ही निकलेगा। और फ्रेश मलाई में जल्दी से लम्स भी नहीं पड़ते, तो इसलिए आप फ्रेश मलाई का ही यूज़ करें। अगर आप ज़्यादा पुरानी मलाई यूज़ करते हैं, 15 दिन की 20 दिन की मलाई का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे होता क्या है कि वो बहुत टाइट हो जाती है, उसका मॉइस्चर काफ़ी सूख चुका होता है, जिससे आप गर्म भी करते हैं तो वो उतने अच्छे से गर्म नहीं होती है और उसमें लम्स रह ही जाते हैं। तो ये देखिए, हमने अपनी मलाई से लस्सी और मक्खन दोनों चीज़ों को अलग कर लिया है। बहुत ही अच्छा मक्खन बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।